भारतीय जनता पार्टी के घोषणा पत्र जारी करने के शुभ अवसर पर उपस्थित माननीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी, बिहार के प्रभारी श्री भूपेंद्र यादव जी, घोषणा पत्र समिति के अध्यक्ष श्री प्रेम कुमार जी, माननीय मंत्री श्री नंदकिशोर यादव जी, माननीय मंत्री श्री आरके सिंह जी, माननीय मंत्री श्री नित्यानंद राय जी, माननीय मंत्री श्री अश्विनी चौबे जी, यहाँ उपस्थित हमारे पूर्व प्रदेश के अध्यक्ष श्री राधा मोहन सिंह जी, माननीय राज्यसभा सांसद विवेक ठाकुर जी, इस कार्यक्रम के संचालक और राष्ट्रीय सह मीडिया प्रभारी संजय मयूर जी। भाजपा है तो भरोसा है, और इसी भरोसे पर हमने भारतीय जनता पार्टी का घोषणा पत्र लाया है। भाजपा के दो सबसे प्रमुख कार्य राष्ट्रवाद और विकास, इन दोनों को दोनों हाथों में लेकर चलते हुए बिहार को आत्मनिर्भर बनाने के लिए जो माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश गरीब कल्याण आधारभूत संरचना के विकास तथा आर्थिक उन्नति के क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत का संकल्प लेकर प्रगति के पथ पर आगे बढ़ने का निर्णय भारतीय जनता पार्टी ने किया है। उसी संकल्प के साथ चलते हुए बिहार ने भी आत्मनिर्भर बिहार बनाने का बीड़ा उठाया है। हमारी एनडीए सरकार ने 15 वर्षों में बिहार के विकास को एक नई ऊंचाई दी है। बिजली, पानी, सड़क, सुरक्षा से जुड़ी बुनियादी समस्याओं से बिहार को निकालकर आगे ले जाने का काम हमने पिछले 15 वर्षों में किया। विकास की निरंतरता आगे भी जारी रहे, इसके लिए हम पूर्णतः प्रतिबद्ध हैं। शिक्षा की उन्नति, स्वास्थ्य के ठोस उपाय, रोजगार के अवसर, सशक्त कृषि समृद्ध किसान तथा गांव शहर सबके विकास के 5 सूत्रों के पर चलते हुए हम बिहार की जनता के सामने अपने 11 संकल्प रख रहे हैं। इन 11 संकल्पों से न केवल 19 लाख रोजगार के नए अवसर मिलेंगे, बल्कि हमारी 1 करोड़ महिलाओं को भी आर्थिक आत्मनिर्भरता प्राप्त होगी। हमारे ये 11 संकल्प हैं। पहला, कोरोना के खिलाफ लड़ाई में बिहार की एनडीए सरकार ने देश के सामने एक मिसाल रखी है। हमारा संकल्प है कि जैसे ही कोरोना का टीका आईसीएमआर द्वारा स्वीकृति के बाद उपलब्ध होगा, हर बिहार वासी को हम निशुल्क टीकाकरण कराएंगे। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में भाषा की भूमिका को केंद्र में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी की सरकार ने महत्व दिया है। इसी कड़ी में बिहार में हम मेडिकल, इंजीनियरिंग सहित सभी तकनीकी शिक्षाओं को हिंदी भाषा में उपलब्ध कराएंगे, जिससे कोई हिंदी भाषा में पढ़ने वाले बच्चा इन तकनीकी शिक्षा से वंचित नहीं रह जाए। एनडीए सरकार ने बिहार में 3.5 लाख शिक्षकों की नियुक्ति की। इसके आगे बढ़ाते हुए एक वर्ष में हम राज्य के सभी प्रकार के विद्यालय, उच्च शिक्षा के विश्वविद्यालयों तथा संस्थानों में 3 लाख नए शिक्षकों की नियुक्ति करेंगे। भारत में इस वक्त आईटी कारोबार 177 बिलियन अमेरिकी डॉलर का है। इस अवसर का लाभ उठाते हुए हम बिहार को नेक्स्ट जनरेशन आईटी हब के रूप में विकसित करके अगले 5 वर्षों में 5 लाख से ज्यादा रोजगार के अवसर उपलब्ध कराएंगे। एनडीए सरकार ने बिहार में 10 लाख समूहों के माध्यम से 1.2 करोड़ महिलाओं के जीवन में रोशनी पहुंचाई है। हमारा संकल्प है कि स्वयं सहायता समूहों तथा माइक्रो फाइनेंस संस्थानों के माध्यम से 50,000 करोड़ की माइक्रो फाइनेंस की नई योजना लाकर 1 करोड़ महिलाओं को स्वावलंबी बनाएंगे। हमारा संकल्प है कि 10,000 चिकित्सक, 50,000 पैरामेडिकल कर्मियों सहित राज्य में कुल 1 लाख लोगों को स्वास्थ्य विभाग में नौकरी के अवसर प्रदान करेंगे। साथ ही प्रधानमंत्री जी द्वारा दरभंगा बिहार को दिए 2 अखिल भारतीय आरोग्य संस्थान एम्स का संचालन 2024 तक सुनिश्चित कराएंगे। किसानों को बिचौलियों से मुक्त करने के लिए बाजार समिति की व्यवस्था को हमारी सरकार ने पहले ही खत्म कर दिया। सशक्त कृषि समृद्ध किसान के संकल्प पर आगे बढ़ते हुए हम संकल्प लेते हैं कि धान तथा गेहूं के बाद अब दलहन की खरीद भी एमएसपी की निर्धारित दरों पर करेंगे। प्रधानमंत्री जी के संकल्प पर चलते हुए
बिहार में एनडीए की सरकार ने गत 6 वर्षों में 28,33,089 आवास बनाए हैं। हम इसी प्रतिबद्धता के साथ हम यह संकल्प लेते हैं कि बिहार के ग्रामीण क्षेत्रों तथा शहरी क्षेत्रों के और 30 लाख लोगों को वर्ष 2022 तक पक्के मकान देंगे। दुग्ध उत्पादन को लेकर कॉपरेटिव तथा कॉम्फेड को प्रोत्साहित करेंगे तथा प्रोसेसिंग के क्षेत्र में निजी निवेश के लिए सुगमता प्रदान कर 2 वर्षों में निजी तथा कॉम्फेड आधारित 15 नए प्रोसेसिंग उद्योग खड़े करेंगे। प्रधानमंत्री जी द्वारा मत्स्य संपदा योजना को आगे बढ़ाते हुए हमारी सरकार अगले 2 वर्ष में मीठे पानी में पलने वाली मछलियों के उत्पादन में बिहार राज्य को देश का नंबर 1 राज्य बनाएगी। बिहार के 1,000 नए किसान उत्पाद संघों को आपस में जोड़कर राज्य भर के विशेष फसल उत्पाद जैसे मक्का, फल, सब्जी, चूड़ा, मखाना, पान मसाला, शहद, मेंथा, औषधीय पौधों की का सप्लाई चेन विकसित करेंगे। इससे प्रदेश में 10 लाख रोजगार के अवसर सृजित होंगे। अंत में मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूं कि जिनके पास न दृष्टि है, न दिशा है, न नीति है और न नियत है, ये लोग रोजगार की रट लगाए घूम रहे हैं। जब तक उनकी सत्ता होती है तब तक उन्हें अपने परिवार के रोजगार के अलावा कुछ नहीं सूझता है, लेकिन जब विपक्ष में होते हैं तब काजी रोजगार बांटते रहते हैं, लेकिन भाजपा जो कहती है उसे पूरा करती है। इसीलिए रोजगार पर मैं कहना चाहूंगा कि हमारा संकल्प है कि 3 लाख शिक्षक नियुक्ति, 1 लाख स्वास्थ्य क्षेत्र की नौकरियां, आईटी हब से 5 लाख नए रोजगार का सृजन, 1,000 एफपीओ के माध्यम से 10 लाख रोजगार का सृजन, और अगर इन सबको जोड़ दें तो कुल 19 लाख नए रोजगार के अवसर बिहार में पैदा करना तथा 1 करोड़ महिलाओं को स्वावलंबी बनाना हमारा संकल्प भी है, हमारी प्रतिबद्धता भी है और इसे हमारी सरकार ही पूरा करेगी, इस पर बिहार के जनता को भरोसा भी है। बहुत बहुत धन्यवाद। मित्रों बहुत धन्यवाद। स्वाभिमानी भारत की प्रवर्तक और जिन्होंने स्वाभिमानी भारत को आत्मसात किया हो, जब देश की महिलाएं ही नहीं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर महिलाएं जब आपको लाल किले की प्राचीर पर देखती है तो उसका गौरव भाल उनके गौरव भाल पे तिलक लग जाता है। ऐसी देश की पूर्व रक्षा मंत्री और वर्तमान में देश की कुशल वित्त मंत्री श्री बड़ी बहन श्रीमती निर्मला सीतारमण जी से आग्रह होगा आप सीधे संबोधित करें श्रीमती निर्मला जी। सबको सबको नमस्कार। आज संकल्प पत्र रिलीज करने के इस शुभ अवसर पर बिहार में बिहार के सभी वरिष्ठ नेतागण के साथ, उनमें से बहुत केंद्र मंत्री हैं और पहले रह चुके हैं और बहुत एक्सपीरियंस सीनियर लीडर्स के साथ आज बिहार के चुनाव के संदर्भ में संकल्प पत्र रिलीज करने के शुभ अवसर पर भाग लेने में मैं गर्व महसूस करती हूँ, क्योंकि बिहार ऐसे प्रदेश है जिसमें हर नागरिक पॉलिटिकली बहुत ही सेंसिटिव है और इन्फॉर्म्ड भी है, उनको पूरे विषय समझ में आता है और विश्लेषण करते हैं और उनको ऐसे संकल्प पत्र रिलीज करने में से उनका भरोसा खमाना, इफ आई कैन यूज दैट वर्ड, टू गेट देयर भरोसा इतना आसान नहीं है। मगर भरोसा को आधार रखते हुए एक संकल्प पत्र भारतीय जनता पार्टी रिलीज कर पा रही है, इसीलिए रिलीज कर पा रही है कि
हर एक जो संकल्प पत्र के द्वारा दिया गया प्रॉमिस को हमने पूरे करवाए। वी फुलफिल आवर प्रॉमिस। भारत देश में ऐसे एक पॉलिटिकल पार्टी अगर है जो जो उनके संकल्प पत्र के ऊपर अगर कोई भी प्रश्न पूछताछ करेगा तो भरोसा के साथ जवाब दे सकते हैं, ऐसे एक पार्टी है तो वो भारतीय जनता पार्टी है। और इफ भरोसा को प्रिंसिपल और आधार फाउंडेशन रखते हुए हम संकल्प पत्र आज रिलीज कर रहे हैं तो इसमें क्या बात है। बात यही है कि हमें कॉन्फिडेंस है, हमें हमारे अपने आप के ऊपर कॉन्फिडेंस है कि हम डिलीवर कर पाएंगे, प्रॉमिस को फुलफिल कर पाएंगे। उसके लिए उदाहरण एक नहीं, दो नहीं, बहुत सारे उदाहरण हम दिला सकते हैं। जैसे बोला गया कि प्रधानमंत्री जी पिछले 6 साल में गरीब के लिए कितने कार्यक्रम प्रॉमिस किए वो सब इंप्लीमेंट कर दिखाए, चाहे वो हर गांव तक बिजली हो, चाहे वो गरीब महिला के लिए गैस सिलेंडर का सप्लाई हो, रसोई का गैस का, और हर भारतीय नागरिक को फिनेंशियल इंक्लूशन के नाम पर बैंक अकाउंट दिलवाना हो। ये सब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने प्रॉमिस करके उसको इंप्लीमेंट भी कर दिखाया। उन इतने सारे कार्यक्रम के वजह से ही जब हमारे देश में और पूरे दुनिया में कोरोना के वजह से, क्योंकि हर नागरिक का लाइफ इंपॉर्टेंट है, लॉकडाउन करना पड़ा, उस समय हर गरीब के अकाउंट में 500 रुपया हर महीने के हिसाब से 1500 रुपया उनके अकाउंट पर सीधा डाल सकते थे, तो जनधन योजना के वजह से हुआ। और हर गरीब के घर में गेहूं चावल या 1 केजी दाल पहुंचा, लॉकडाउन के समय पहुंचा है तो इसलिए कि पूरे डिजिटल व्यवस्था बिछाया गया जिसके द्वारा रेशन कार्ड और रेशन में जो मिलना है वो सब ठीक ठाक मिलना संभव हुआ। ऐसे ही दिव्यांग हो, बुजुर्ग हो, उनके अकाउंट में भी 1000 रुपया वन टाइम पेमेंट वो लॉकडाउन के समय ही हुआ। लॉकडाउन के समय जब सब स्तंभित हो गया था, लिटरली नथिंग मूव्ड, उस समय भी हमारे बैंकों के द्वारा जितने भी कैश पहुंचाना है वो पहुंचाया गया। इतने कठिन माहौल में भी लोग को जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स है, बेसिक उनका जितने भी है रिक्वायरमेंट, वो सब पहुंचाने का काम इसलिए संभव हुआ कि पहले से बेटर लिविंग के लिए अकाउंट दो, रुपए कार्ड दो, हर एक का घर तक बिजली पहुंचाओ, ये सब व्यवस्था पहले से 5 साल से इंप्लीमेंट हुआ। जब इतना बड़ा महामारी के समय में भी हम गवर्नेंस में कहीं चूक ना आने दिया। इस संदर्भ में एक विषय मैं आप सबके सामने रखना चाह रही हूं। एक हम कंपैरिजन करेंगे 15 साल जो 1990 से लेकर के 2005 तक बिहार की अवस्था, और 2005 से लेकर के 2020 तक का अवस्था, 15 साल उस समय, 15 साल 20 तक वाला 15 साल आप देख लीजिए। जैसे माननीय संजय जायसवाल जी ने सही कहा, बजट का साइज, मतलब बिहार का इकोनॉमिक अफेयर्स का साइज देख लीजिए,
23,000 करोड़ जहां था 15 साल, 2005 तक वाला 15 साल में, वो 2,00,000 करोड़ हो गया है अभी। इसके मतलब क्या है? एक्टिविटी बढ़ने में आपके जीएसडीपी बढ़ जाता है। ऐसे ही ग्रोथ, जीडीपी ग्रोथ स्टेट का जहां 3% तक था 15 साल 2005 तक, वो बढ़ करके आज 11.3 तक पहुंचा। वो 15 साल है जो 2005 से लेकर के 2020 तक, जहां पूरे गवर्नेंस का प्रायोरिटी था और डिलीवरी को मन में रखते हुए गांव तक पहुंचाना और उधर रिजल्ट दिखाना, इसका प्रायोरिटी के साथ गवर्नेंस चलाया, ना कि जंगल राज। जंगल राज के समय आप देखा कि क्या है लेवल। और जब एडमिनिस्ट्रेशन जनता के लिए काम करता है, यही रिजल्ट होता है। इसके कारण पर कैपिटा, हर नागरिक का इनकम एवरेज औसतन जहां 8,000 था उस 15 साल में, अभी बढ़कर के 43,000 तक पहुंचा। पर कैपिटा इनकम इज 43,822। इन सब आंकड़ा में क्यों आपके सामने रख रही? जब गवर्नेंस का प्रामुख्यता देता है एक सरकार, जनता के लिए काम करता है एक सरकार, और जनता का भलाई के लिए काम करता है, हर नागरिक उनके अपने अपने क्षेत्र में उनके अपने अपने काम शांति से कर पाता है, उसके वजह से इकोनॉमी बढ़ता है, उसके वजह से हर नागरिक का इनकम भी बढ़ जाती है। यही एक कारण, जब लोग उनके अपने अपने व्यवस्था में जुड़ जाते हैं, उनका बेसिक रिक्वायरमेंट क्या होता है? बिजली होना चाहिए, सड़क ठीक होना चाहिए, घर में पानी आना चाहिए। बिजली का प्रोडक्शन, माननीय मंत्री जी बैठे हैं, आरके सिंह जी, इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन सिर्फ 22% था उस 15 साल में जो 2005 तक वाले, अभी 100% प्रोडक्टिविटी, 100% प्रोडक्टिविटी के साथ बिजली उत्पादन हो रही है बिहार में। उत्पादन बिजली का एक विशेष अंक होता है, क्यों? बाकी सब जैसे गेहूं हो, कुछ और हो, प्रोड्यूस करके आप स्टोर कर पाएंगे, मगर बिजली का उत्पादन तब ही हो पाएगा जब डिमांड भी सातों साथ बढ़ता है, क्योंकि जो प्रोडक्शन होता है स्टोर नहीं होता, सीधा कस्टमर तक पहुंचता है, वो बिजली का इंडिकेटर है। इसलिए उसको हम ध्यान से देखना चाहिए, उत्पादन बढ़ती है तो तुरंत उसका उपयोग भी होता है, वो स्टोरेज करना मुश्किल है बिजली का। बिहार में आज 100% कैपेसिटी यूटिलाइजेशन के साथ बिजली प्रोडक्शन हो रही है। पक्का मकान के आंकड़ा भी देखें, उस 15 साल में 34% ही पक्का मकान मिला लोगों को, 34% पॉपुलेशन को ही मिला जिनको मिलना चाहिए, मगर अभी ऑलरेडी 96% लोगों को पक्का मकान मिल गए। इससे जुड़े हुए एक और आंकड़ा, एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन का हमने गिना 11.8% तक गया है जीडीपी स्टेट का, एग्रीकल्चर का ग्रोथ भी ऐसे ही 2% से लेकर के 2.35 से लेकर के 8.5 तक पहुंचा है एग्रीकल्चरल ग्रोथ। राधा मोहन जी इधर बैठे हैं जो एग्रीकल्चर मिनिस्टर थे पहले केंद्र में, उस समय बिहार के लिए कितने भी काम वो प्रायोरिटी से भी किए, मुझे मालूम है उनके पास कभी कभी मैं कॉमर्स मिनिस्टर के नाते कुछ एक्सपोर्ट इंपोर्ट विषय चर्चा करने के लिए जाती थी, वो पूरे बिहार के एग्रीकल्चर विषय के ऊपर इतने ध्यान से किया, उसके वजह से आज हम बोल पा रहे हैं एग्रीकल्चरल ग्रोथ बिहार में 8.5% है। इस 15 साल में वो इंप्रूवमेंट हुआ है, जबकि पहले सिर्फ 2.3% था। ऐसे ही नॉन एग्रीकल्चरल एक्टिविटी में आप देख लीजिएगा, 3.9% जहां था पहले,
वो अभी 12% तक पहुंचा है नॉन एग्रीकल्चरल, वो चाहे इंडस्ट्री, कॉमर्स, ट्रेड, जो भी हो सकता है। इसका मतलब क्या है? एग्रीकल्चर भी, इंडस्ट्री भी, इलेक्ट्रिसिटी भी, सब ऊपर के ओर ऐसे जा रहे ग्रोथ। बिहार जिस स्टेट में इतना पोटेंशियल है, जिनके नागरिक पूरे देश पर जाकर के उनके ताकत दिखा रहे हैं, हर एक में, हर राज्य में, आज बिहार के लोग के स्किल के वजह से उनको उधर रोजगार मिलता है। ऐसे बिहार में आज हम देख रहे हैं ग्रोथ का पोटेंशियल क्या है, कितना ग्रोथ मिला है, जब सरकार भरोसा के साथ उनके संकल्प पत्र में जितना भी बोले उसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। लास्ट में मैं एक और इंडिकेटर देती हूं, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन और उसका ग्रोथ। उस 15 साल का डेटा कंसिस्टेंटली कुछ नहीं मिला, इसलिए हमारे संकल्प पत्र में उसका आंकड़ा नहीं बोला गया। आप देखेंगे संकल्प पत्र में उस 15 साल का डेटा इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का खाली छोड़ा गया, क्योंकि इंडस्ट्रियल ग्रोथ का विषय उस समय प्रायोरिटी नहीं था। अभी क्या है, इस 15 साल में 17% तक ग्रोथ है इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का। बिहार जिस राज्य में एग्रीकल्चर और प्राइमरी एक्टिविटी को महत्व है, क्योंकि अच्छा उगाव का भूमि है और कृषि उत्पादन अच्छा होता है, इंडस्ट्री का इतना प्रोत्साहन तब नहीं था मगर अभी मिल रही है, इसीलिए 17% तक ग्रोथ हुआ है उस एरिया में भी। इसीलिए जो 11 पॉइंट्स हमने हमारे संकल्प पत्र में बोल रहे हैं उसका महत्व है। उसमें मैं प्रमुख से शुरू करती हूं कि कोरोना का ये पैंडेमिक के समय हम सब ऐसे बैठे हैं, हर एक उनके अपने चेहरे पर एक मास्क लगाकर, जब तक वैक्सीन नहीं मिलता, प्रधानमंत्री जी याद दिला रहे हैं, परसों भी एक देश के नाम संदेश में ये बात बोले कि प्लीज आप जरा संभालो, एक मिनट का केयरलेसनेस अगर होता है तो पैंडेमिक फैला जाता है। इसीलिए जब तक वैक्सीन नहीं मिलता पहनना आवश्यक है मास्क। मगर जब वैक्सीन आने का हमारे लिए इंफॉर्मेशन आ रही है, अगर हर एक देश में एक एक वैक्सीन का कुछ प्रोडक्शन का बात चल रही है, रशिया में एक है, चाइना में एक है, कहीं और एक और है, बहुत सारे देश कोशिश कर रहे हैं, मगर मैं इधर कॉन्फिडेंट के साथ बोलना चाहती हूं कि भारत में, क्योंकि बायोमेडिकल बायोफार्म इंडस्ट्री अच्छा पिछले 20 साल से उनका कैपेसिटी बढ़ते आ रही है, कम से कम 4 वैक्सीन का प्रोडक्शन के ओर हम जा रहे हैं। अगर 1, 2, 3 ट्रायल स्टेजेस है, पहले एनिमल्स के ऊपर करते हैं, फिर लैब में दोबारा टेस्ट करते हैं, फिर ह्यूमन ट्रायल्स करते हैं, ये तीनों फेज पार करते हुए लास्ट स्टेज तक कम से कम 3 ऐसे वैक्सीन भारत देश में प्रोडक्शन के खगार पर आ गए हैं। उसके बाद वो वैक्सीन अगर साइंटिफिक लोग बोलते हैं कि हाँ ये ठीक है, ये अभी प्रोडक्शन कर सकते हैं, प्रोडक्शन करने का कैपेसिटी भी हमारा सरकार के प्रोत्साहन के वजह से रेडी बैठे हैं कि लार्ज प्रोडक्शन करने के लिए। सो जब साइंटिस्ट इसको क्लियर करते हैं, हमारे देश में वैक्सीन का प्रोडक्शन उस लेवल पर होगा जिससे जो हम इधर प्रॉमिस कर रहे हैं, बिहार में हर एक के लिए मुफ्त में वैक्सीन मिल जाएगा, वो हमारे पहला संकल्प पत्र के प्रॉमिस है। भरोसा के साथ बिहार की जनता को हम आश्वासन दिलाना चाहते हैं कि वैक्सीन फ्री में आप सबको मिलेगा। फिर ऑफ कोर्स आप लोगों को मालूम है बिहार में 2 ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस हैं, दरभंगा में जो है उसको हमने प्रॉमिस किया है 2025 तक उसको खत्म करके लोकार्पण उसको खत्म करके लोकार्पण करेंगे ही। फिर आपको, मुझे बहुत एक विषय अच्छा लगा कि हिंदी में मेडिकल इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट्स बिहार में खोला जाएगा।
मातृभाषा में जब एक उनके टेक्निकल एजुकेशन पाते हैं तो उनका रोक नहीं हो सकता है उनका एक्सलेंस का। इसीलिए बिहार जैसे एक क्षेत्र में हिंदी में ये तीनों इंस्टीट्यूशन ओपन करना बहुत आवश्यक है, जिसमें मैं मानती हूँ हमारे बहुत सारे युवा का फ्यूचर के लिए अच्छा क्वालिफिकेशन के लिए इधर ही अवसर मिलेगा। फिर टेक्नोलॉजी में बिहार पीछे नहीं है, इसीलिए उनका आईटी हब भी बनाने के लिए हमने एक संकल्प पत्र में प्रॉमिस कर चुके हैं, उसको पूरे इंप्लीमेंट करेंगे। मुझे याद है बजट के समय फरवरी इस साल फरवरी में मत्स्य संपदा योजना, मतलब फिशिंग के लिए हम प्रोत्साहन देना है जैसे एग्रीकल्चर के लिए दे रहे हैं, मगर फिशिंग मतलब सिर्फ समुंदर से जो मत्स्य संपदा मिलता है सिर्फ वो नहीं है, मीठे पानी में भी अच्छा सा फिशिंग का कैपेसिटी बढ़ाना चाहिए। उसमें हमारे संकल्प पत्र के लाइन ये है कि बिहार को नंबर वन स्टेट बना देंगे मीठा पानी में जो फिशिंग कर सकते हैं, फिश प्रोडक्ट्स उत्पादन कर सकते हैं। सो मत्स्य संपदा योजना का पूरे इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए प्रावधान बजट के द्वारा कर करके बिहार में उसको लागू करने के लिए संकल्प पत्र में एक ऐसे घोषणा है। और इसके साथ साथ डेयरी प्रोसेसिंग यूनिट, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है क्योंकि 15 प्रोसेसिंग यूनिट का प्रॉमिस दिया गया है, जहां एग्रीकल्चर के साथ जब एक किसान को डेयरी भी सपोर्टिव काम में उनको जोड़ा जाता है, उनका आय दुगुनी बढ़ाने के लिए एक इजीली एक रास्ता मिलता है। इसीलिए हर एक किसान जो अन्नदाता है, ने बजट में मुझे याद है बोले कि उनको ऊर्जादाता बनाना भी आवश्यक है, जिससे वो सोलार पावर उनके फील्ड में खेती में से ही एनर्जी भी उत्पादन कर सकते हैं। ऐसे ही वो डेयरी में भी जुड़ जाएं, जैसे अमूल वैसे बहुत सारे इधर भी यूनिट्स आ सकते हैं, जिससे किसान का आय भी दुगुनी जल्दी से हो पाएंगे। इसके अलावा फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन का भी बहुत अच्छा सा एक घोषणा है, जिसमें से 1000 FPO फॉर्म करने का प्रॉमिस है, जिससे हम मानते हैं कम से कम 10 लाख को रोजगार मिलेगा। ऐसे 11 इम्प्लीमेंटेशन पॉइंट्स है, वो सब बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। मैं मानती हूँ ये सब जनता को उनके जीवन में बहुत भरोसा, जीवन में बहुत सहूलियत ले आएगा, इसलिए उनको भी मान्यता होगी और जनता भी उसको मानेंगे और अपनाएंगे। इसके अलावा एक है गेम्स यूनिवर्सिटी, खेल कूद के लिए एक अलग यूनिवर्सिटी बनाने का प्रावधान बात में है, और वो भी एक प्रॉमिस बिहार के लिए दिया हुआ है। जनधन योजना, मुद्रा, ये सब मंत्रालय के द्वारा हम चला रहे हैं, उसका भी अच्छा सा इम्प्लीमेंटेशन और बढ़ाने के भी कार्यक्रम हम केंद्र सरकार के द्वारा बिहार को मदद करेंगे। मैं जनता, आप मीडिया के द्वारा जनता को अपील कर रही हूँ हाथ जोड़कर, NDA को वोट दीजिए, NDA को जिताए, और NDA जीतने पर माननीय नीतीश कुमार जी हमारे CM होंगे अगले 5 साल के लिए, और बिहार ऐसे ही आगे बढ़कर के अच्छा प्रोग्रेसिव डेवलप्ड स्टेट बनेगी, जो भारत के ग्रोथ के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग बनेंगे। बिहार के ग्रोथ भारत के ग्रोथ का एक बहुत इंपॉर्टेंट इंजन बनेगा, अगर इंजन ठीक चलता है गाड़ी तो जरूर जाएगी आगे। इसीलिए बिहार में ये मुझे आज इस अवसर मिला संकल्प पत्र रिलीज करने के लिए, बिहार के BJP यूनिट को मैं धन्यवाद कहती हूँ और बहुत गर्व महसूस करती हूँ कि बिहार के इस चुनाव के संदर्भ में मेरा इतना रामायण में गिलेरी जैसे बोलते हैं वैसे एक छोटे से अंग इसमें भाग लिया, उसके लिए मैं बहुत संतोष व्यक्त करती हूँ और बिहार की जनता को भरोसा के साथ
मैं नमस्कार कहती हूँ और ये भी बोलती हूँ कि आप ज़रूर एनडीए को जिताइए, नीतीश कुमार जी को सीएम बनाइए, अगले 5 साल के लिए बिहार के डेवलपमेंट के लिए आप सब साथ जोड़िए। धन्यवाद।